हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो लेसन सेकंड चल रहा है उसमें हम लोगों ने टिशू के बारे में स्टडी किया है। इस टिशू लेसन में हमने बताया था आपको शुरू में ही टिशू एनिमल और प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो एनिमल में टिशू पाए जाते हैं उनको हम लोग एनिमल टिशू के नेम से जानते हैं, एनिमल टिशू कहते हैं, और जो प्लांट में फाउंड होते हैं उनको प्लांट टिशू कहते हैं। इतना तो आप लोग को क्लियर है। तो हमने आप लोग को प्लांट टिशू के बारे में कम्प्लीटली बता दिया है। पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिशू जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिशू और एक आपका होता है परमानेंट टिशू। मेरिस्टेमेटिक टिशू में मैंने उसके टाइप को बता दिया था, और टाइप्स में था आपका एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप लोग सभी बच्चों को याद होगा। इसके बाद मैंने आप लोग को परमानेंट टिशू के बारे में बताया था। अब परमानेंट टिशू में मैंने आपको टू टाइप्स का परमानेंट टिशू बताया था। एक था सिंपल परमानेंट टिशू और एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू। सिंपल परमानेंट टिशू में भी मैंने उनके टाइप्स बताए थे, याद होगा आप लोगों को, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट था पेरेन्काइमा, सेकंड था कोलेन्काइमा और थर्ड था स्क्लेरेन्काइमा। आप सभी बच्चों को याद होगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू में टू टाइप्स था, एक था आप लोग का जाइलम और एक था फ्लोएम। मैं आशा करता हूँ आपको सभी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चे, आज हम लोग इसी लेसन के प्लांट टिशू में हम लोग आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन पेरेन्काइमा, देख रहे होंगे, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और जो है स्क्लेरेन्काइमा में आज हम लोग डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। ओके बेटा, देखिए ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस डिफरेंस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप सभी लोगों को डिफरेंसेस पता होने चाहिए, तो इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसको जानें। पेरेन्काइमा को अगर हम बात करें तो पेरेन्काइमा में बताया गया है, फर्स्ट डिफरेंस अगर लें तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में, तो पेरेन्काइमा जो होते टिशू होता है वो लिविंग सेल्स से मेडअप होता है। दे आर लिविंग सेल। पेरेन्काइमा टिशू में जो सेल्स होते हैं लिविंग्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक ना बेटा। इसके बाद जो कोलेन्काइमा होता है उसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसमें आपके डेड सेल होते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस कि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड डिफरेंस जाने। तो पेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक। मतलब एक बार और सुन लीजिए, पेरेन्काइमा जो होते हैं उनके सेल्स का जो शेप होता है वो होता है ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक। मतलब सभी सेल्स इक्वल्स होते हैं और उनका डायमीटर भी इक्वल होता है, मतलब डायमीटर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक ना बेटा। इसके बाद कोलेन्काइमा में अगर हम जाने तो कोलेन्काइमा के भी सेल्स जो होते हैं ओवल होते हैं और सर्कुलर होते हैं। दे टू आर ओवल सर्कुलर, ये भी ओवल और सर्कुलर होते हैं। जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा आता है इसके जो सेल्स होते हैं वो आपके लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं। क्लियरली आप लोग याद रखिएगा, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग और नैरो होते हैं। ओके, अब चलिए थर्ड डिफरेंस जाने। थर्ड डिफरेंस में ये बताया गया है कि जो पेरेन्काइमा होता है इसके सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थीन होती हैं और मेडअप होती हैं ओनली सेलुलोज से और विदाउट थिकनिंग, और ये मोटी भी नहीं होती हैं। जब
ओनली सेलुलोज से बनी होती है। ओके तो एक बार और सुन लीजिए, जो पैरेन्काइमा होता है आप देख भी सकते हैं, दे हैव थिन सेल वॉल ओनली ऑफ सेलुलोज विदाउट थिकनिंग। तो ये केवल इनका जो सेल वॉल होता है उसके पास केवल सेलुलोज होते हैं बिना थिकनिंग के। इसके बाद अगर हम आते हैं, अगर हम कोलेनकाइमा में बात करें, तो इनके जो सेल वॉल्स होते हैं, इन इसमें जो सेल्स आते हैं वो थिक होते हैं और उनके कॉर्नर पर पैक्टिन होता है। याद रहेगा ना, इनके सेल वॉल जो होते हैं थिक होते हैं और कॉर्नर पर क्या होता है, पैक्टिन होता है। इसके बाद जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं उनके सेल वॉल थिक होते हैं और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जो पैरेन्काइमा होता है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कोलेनकाइमा में भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ओके चलिए नेक्स्ट डिफरेंस जाने बेटा। तो नेक्स्ट है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं उनके सेल्स के बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड होते हैं, लेकिन आपके कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ओके इसके बाद जो पैरेन्काइमा होते हैं ये लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं और सॉफ्ट ऑर्गन पाए जाते हैं। जो पैरेन्काइमा होते हैं लोअर प्लांट्स में फाउंड होते हैं और सॉफ्ट ऑर्गन फाउंड होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा जो होते हैं ये पेरिफेरल पार्ट्स में फाउंड होते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये जूट वुड और सॉफ्ट फाइबर्स में फाउंड होते हैं। ठीक ना, तो क्लियर हो गया होगा कि स्क्लेरेन्काइमा जूट वुड और सॉफ्ट फाइबर्स में फाउंड होते हैं, कोलेनकाइमा जो होते हैं पेरिफेरल पार्ट में फाउंड होते हैं, और पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लोअर प्लांट में फाउंड होते हैं और उनके सॉफ्ट ऑर्गन। इसके बाद पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है ये स्टोर करते हैं फूड को और वेस्ट को, और इसके बाद ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है बेटा कि बाहरी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, लाइट, टेम्परेचर, अदर जो भी कंपोनेंट हैं, उनसे जब भी कोई पार्ट प्रोटेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो पैरेन्काइमा होते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद कोलेनकाइमा जो होते हैं ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया था कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो प्लांट के पार्ट बेंड तो होते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। तो क्यों नहीं टूटते हैं, इलास्टिसिटी कारण। तो कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। क्लियर हो गया। अब इसके साथ जो कोलेनकाइमा होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है, मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि प्लांट को उसके पोजीशन पर प्रेजेंट रहने देना, उसके पार्ट को उस पोजीशन पर रहने देना और उनको ब्रेक होने से बचाना, ये काम जो होता है इसे हम मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट बॉडी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से बचाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी डिफरेंसेस मैंने बताया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक का डिफरेंस हम लोग जान लें, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए बेटा इसके बारे में जाने। तो डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में, जाइलम में अगर बात करें तो जाइलम का फर्स्ट डिफरेंस जाइलम फ्लोएम में है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। मतलब जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। ओके बेटा, अब इसके बाद जो फ्लोएम होता है ये कैरी करता है, ट्रांसलोकेट करता है फूड को लीफ से डिफरेंट प्लांट ऑफ द बॉडी, दैट इज इट कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये नीचे वाले पार्ट में भी पहुँचाता है और अपवर्ड पार्ट में भी पहुँचाता है। कौन, फ्लोएम, किसको, फूड को, और जाइलम वाटर और मिनरल्स को। इसके बाद जाइलम जो होते हैं ऑल द सेल्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम में जो सेल्स होते हैं वो सभी डेड होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स को छोड़कर, जबकि फ्लोएम में ऑल द सेल्स कम एलिमेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर दैट आर डेड। लेकिन इनमें सभी सेल्स लिविंग होते हैं, केवल फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर जो डेड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो रहेगा हम लोग का एनिमल टिश्यू। ओके, थैंक यू।